वेलकम है आपका टेक्निकल एडिटिव चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं डायमंड पेस्ट के फ्री वर्जन के बारे में। आप इस वर्जन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे प्ले कर सकते हैं किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में। इस वीडियो में आपको प्ले स्टेशन 2 के गेम्स को प्ले करने के लिए कुछ बेस्ट सेटिंग्स बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम प्रोसेस बताइए, तो आप इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल। सबसे पहले मैं यहाँ डायमंड पीएसटू एमुलेटर को सर्च कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा एमुलेटर आ चुका है। यह इसकी प्राइस 600 रुपीज़ है और मैंने इसे इंस्टॉल नहीं कर रखा है। या जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको यह डायमंड पीएसटू का फ्री वर्जन भी दिख जाएगा, मोर बाय डायमंड पीएसटू। आप देख सकते हैं डायमंड पी एच टू फ्री, मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है। अभी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं फ्री में। अभी इसके ज़्यादा डाउनलोड्स नहीं हुए क्योंकि ये आपको सर्चिंग में नहीं मिलेंगे, तो मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखूँगा, वहाँ से आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे ऐसे ओपन कर लेता हूँ और आपको इसके कुछ बेस्ट सेटिंग्स बता देता हूँ। इसके मैंने इसे ओपन कर लिया है। मेरे पास अभी गॉड ऑफ वॉर गेम है। आपको इसमें भी बायोस फाइल की ज़रूरत होगी और आपको अभी इसमें कोई भी पैरेलल स्पेस ऐप की जरूरत नहीं होगी, आप इसे डायरेक्ट प्ले कर पाएंगे। आपने अगर बायोस फाइल को डाउनलोड नहीं किया तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको आपके सेटिंग्स में आना है और ग्राफिक सेटिंग्स में आकर ये आपको एड शोन हो रही है। फिक्स डुप्लीकेट घोस्टिंग को आपको एनेबल कर देना होगा। फिर इस तरह आपको ऑडियो में आकर आपकी ऑडियो लेटेंसी को म्यूट कर देना होगा और सेंट्रल मोड को नॉन्स और स्पीड अप पे कर देना है। इस तरह आपको कंट्रोल्स में आना है। इसमें मैंने अगर आपके पास कोई गेम पैड है आप इसे गेम पैड से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑन स्क्रीन टच भी रख सकते हैं। फिर आपको सिस्टम में आना है और आपको यह बायोस को स्किप कर देना है और इसे यह आपको सुपर फास्ट पर क्लिक कर देना है। तो अभी मैं यह गेम को स्टार्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन ऑन है क्योंकि इसमें थोड़े से ऐड शोन हो रहे हैं। मैंने ऐड को क्लोज कर देता हूँ और देख सकते हैं हमारा डायमंड एमुलेटर स्टार्ट हो चुका है। मेरा एंड्रॉइड डिवाइस की रैम 2GB है क्योंकि मेरे एंड्रॉइड डिवाइस में थोड़ा लैग करेगा। अगर आपके एंड्रॉइड डिवाइस की रैम अच्छी होंगी तो आपके एंड्रॉइड डिवाइस में गेम्स स्मूथली रन कर पाएंगे। अगर आपके एंड्रॉइड डिवाइस की रैम 5 to 6GB तो सभी एंड्रॉइड डिवाइस में स्मूथली रन कर पाएगा। आप देख सकते हैं कुछ ही मिनटों में हमारा गेम यहाँ स्टार्ट हो चुका है। गेम के ग्राफिक्स बहुत ही ऑसम है। अगर इस गेम को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने सिर्फ 190MB में बताया था आप इस गेम को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा फ्री वाला डायमंड पीएसटू बिल्कुल स्मूथली रन कर रहा है। आप इसे जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। सिर्फ 6MB का ऐप है, इससे आप सभी प्ले स्टेशन 2 के गेम्स को प्ले कर पाएंगे आपके एंड्रॉइड डिवाइस में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।